लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि गोजो गया था यार अपनी टीम को बचाने के लिए। फिर वहां पर हुई गोजो वर्सेस हेलोर की एपिक फाइट, जिस फाइट में जो है अपना गोजो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा फाइट किया था हेलोर से और उसने अपनी टीम के सभी मेंबर्स को छुड़ा लिया, जैसे कि फ्रैंकलिन, लूसीफर और सुपरमैन। अभी ये सब आ गए हैं हेवन में। तुम सबको बचा लिया सिर्फ अकेले गोजू ने? गोजो तूने तो कमाल कर दिया, जो काम कोई नहीं कर सका वो तुमने एक बार में कर दिया। थैंक यू गोजो। है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा तो ये फर्ज था, मुझे कोकू ने बोला था इसीलिए मैंने इन सबको बचाया। अब आगे बताओ क्या करना है। हाँ हेवन गोड, बताओ आगे क्या करना है, कैसे उसको पकड़े और उसको कैद करें, क्योंकि उसको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसको मारना भी। बात रही उसको मारने की, तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हेल लॉर्ड को मार सके, क्योंकि हेल लॉर्ड अमर है, उसको मारना नामुमकिन है। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं कि हम उसे किडनैप कर सकते हैं और उसको एक ऐसी जगह कैद कर सकते हैं जहाँ पर वो अपनी शक्तियों का प्रयोग ना कर सके। फिर वो एक आम आदमी की तरह, आम शैतान की तरह वहाँ पर रहेगा। बस अपने को उसको उस जगह पर कैद करना है और याद रहे वो उस जगह से कभी निकल ना सके, ऐसा अपने को पिंजरा बनाना पड़ेगा, तभी हम इस प्लान में सक्सेसफुल हो सकेंगे। तो ये काम मैं कर लूँगा, लेकिन तुम्हारे पास उसको पकड़ने का कोई प्लान है क्या? अगर कोई प्लान है तो मुझको बताओ, मैं देखूंगा कि वो प्लान कितना कारगर साबित होगा। अरे हेवन गॉड, आप तो भूल गए, आप हेवन गॉड फ्रैंकलिन को बनाने वाले थे ना, तो फ्रैंकलिन ही उसको इजीली पकड़ लेगा। आप तो अभी उसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि आप तो बूढ़े हो गए हो, आपकी अंदर ताकत तो है लेकिन आपकी हड्डियां जवाब दे देंगी। अरे ये तो तुम एकदम ठीक कह रहे हो, हाँ मैं फ्रैंकलिन को जो है हेवन गॉड बनाना चाहता हूँ और ये काम मैं करना भी चाहता हूँ। भगवान का एक देवता का बच्चा तो है नहीं कि ये आसानी से हेवन गॉड बन जाए। इसको 3 दिनों तक घोर तपस्या करनी पड़ेगी, उसके बाद ये जो है हेवन गॉड बनने के लिए तैयार होगा। अगर ये 3 दिनों तक जो है तपस्या कर लेगा तभी ये हेवन गॉड बन पाएगा। तो इसको लगातार 3 दिनों तक हेवन गॉड के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर ये जो है मेरी तरह हेवन गॉड बन पाएगा और मैं तब हेवन गॉड के पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो फ्रैंकलिन तुम रेडी हो हेवन गॉड बनने के लिए? तुम रेडी हो तपस्या करने के लिए? हाँ हेवन गॉड, मैं रेडी हूँ, लेकिन इस तपस्या को मुझे कहाँ और कैसे और क्या क्या करना होगा इस तपस्या के लिए मुझे? हाँ इस बारे में मैं तुमको सब चीज़ डिटेल में बताता हूँ। तुमको ये जो तपस्या करनी होगी वो वाइनवुड की पहाड़ियों पर करनी होगी, और हाँ इसके लिए तुम्हारे पास कोई भी शक्तियाँ नहीं रहेंगी। अभी तुम्हारे पास जो मेरी दी हुई शक्ति है वो सारी शक्तियाँ मैं ले लूँगा, उसके बाद ही तुम्हें वो तपस्या करनी पड़ेगी, और उस तपस्या में तुम किसी भी जादू का सहारा नहीं ले सकते। वैसे तो तुम लोगे भी क्या, क्योंकि सारी शक्तियाँ तो मैं तुमसे छीन लूँगा। उसके बाद तुमको 3 दिन तक बरसात, सर्दी, गर्मी सब कुछ सहन करके जो है तपस्या को पूरा करना होगा। अभी तुम जाओ और उस तपस्या पर ध्यान लगाओ ताकि मैं तुमको हेवन गॉड बना सकूँ। अगर तुम भगवान होते या भगवान के बेटे होते ये तो मैं तुमको इजीली हेवन गॉड बना सकता था, क्योंकि तुमको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब जल्दी जाओ और तपस्या के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। अरे मैं यहाँ पर तपस्या के लिए कूद तो गया हूँ लेकिन मेरे पास पैराशूट तो है नहीं, अब मैं यार क्या करूँ? अरे यार काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है। अगर गाइज आप चाहते हो कि मैं हेवन गॉड बन जाऊँ तो यार जल्दी सी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में आप लिख दो फ्रैंकलिन बिकम हेवन गॉड। अभी यार मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ लेकिन यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। ये लो यार यहाँ पर गाड़ी भी आ गई है, ये वाली गाड़ी तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ,
ये पीछे वाली गाड़ी अपने को पसंद आ रही है यार, तो मैं सोच रहा हूँ ये गाड़ी लेकर ही चलेंगे अपन वाइनवुड की पहाड़ियों पर, और वहाँ पर अपन काफ़ी ज़्यादा ढेर सारी तपस्या करेंगे। 3 दिनों तक अपने को तपस्या करनी है, तो यार अपने को काफ़ी ज़्यादा भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा भाई अभी काफ़ी ज़्यादा खाना खा चुका है, तो इजीली अभी 3 दिन तक भूखा रह सकता हूँ मैं आई थिंक। देखते हैं यार, 3 दिन तक भूखा रहना बहुत ही बड़ी समस्या है। बाकी अपने को तो तपस्या में बैठना ही होता है और एक जगह बैठकर बस ओम भट स्वाहा करना होता है। लेकिन देखते हैं अपन इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं आखिरकार इस मिशन को कंप्लीट कर लूँगा और एंड रिजल्ट में जो है हेवन गॉड बन जाऊँगा। आपको क्या लगता है यार, अपनी राय जरूर से दे इस बारे में। लेकिन यार अभी चलता हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है अपनी गाड़ी। काश यार मुझे कोई सुपर कार मिल जाती, कैसे न तैसे करके जो है मैं पहुँच ही चुका हूँ अभी वाइनवुड की पहाड़ी पर। और देखो यार मेरी गाड़ी की जो हालत है, लिटरली में पूरी की पूरी डैमेज हो चुकी है मेरी गाड़ी। और इस गाड़ी में अभी मैं और ज़्यादा सफ़र तय नहीं कर सकता, बस अभी मैं कैसे न कैसे करके इस पहाड़ी की चोटी पर पहुँच जाऊँ और फिर अपनी जो तपस्या है उसको जो है स्टार्ट कर दूँ। यार ये लो मैं आ भी गया है इस पहाड़ी की चोटी पर, और यहाँ पर ही मैं जो है अपनी तपस्या का प्लानिंग करने वाला हूँ। प्लानिंग क्या यार, अभी तपस्या को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये रहा वो लोकेशन जहाँ पर मैं अपनी तपस्या करने वाला हूँ। अभी आप लोग मुझे ध्यान से देख लो यार, मैं कितना ज़्यादा हट्टा कट्टा हूँ। लेकिन तपस्या के बाद शायद मैं कमज़ोर भी हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे यार 3 दिन तक आखिरकार भूखा रहने जो पड़ेगा। यार लो मैं तो लग गया अपनी तपस्या में, और यार यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है यार। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। अरे यार यहाँ पर तो अचानक से जो है बरसात होने लग गई है, और मैं बरसात में काफ़ी ज़्यादा भीग रहा हूँ, और इस वक्त जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार भी चढ़ने लग गया है। और यार ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बरसात दिन ब दिन और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। और इस वक्त देखो यार कितनी ज़्यादा बरसात हो गई है, और ये अपना 3रा दिन है, और इस दिन को अपने को कैसे भी सरवाइव करना है, वरना अपनी पूरी मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगी। और ये लो गाइस, मैंने इस 3रे दिन को भी जो है लगभग सरवाइव ही कर लिया है, और ये अभी दिन जो है ख़त्म होने ही वाला है, और कुछ ही देर में ये दिन ख़त्म हो जाएगा। और लो ऑल राइट गाइस, ये दिन पूरा की पूरा ख़त्म हो चुका है, यानी कि अपन ने पूरे की पूरी 3 दिन तक तपस्या कर ली है, और अपन जो है अभी हेवन गॉड बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और यार देखो मेरे कुछ तो वजन लूज़ हुआ है इस चक्कर में, ये देखो यार मैं काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला लग रहा हूँ। लेकिन अभी मेरे साथ इन सब बातों का वक्त नहीं है, क्योंकि यार मुझको पकड़ना है हेल लॉर्ड को, और हेल लॉर्ड को कैसे भी पकड़ना है। लेकिन मैं इस गाड़ी से नहीं जा सकता, मुझे कैसे भी करके हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करना होगा, क्योंकि मेरे पास अभी शक्तियाँ नहीं है, तो मैं हेवन में जो है उड़ के तो जा नहीं सकता, तो मुझे हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो हेलीकॉप्टर ढूंढना ही पड़ेगा। और ये क्या यार, मैंने हेलीकॉप्टर का नाम ही क्यों नहीं लिया अभी तक तो, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आ गया यार। यानी कि यार क्या ही दिन चल रहे हैं आजकल अपने, सब चीज़ बोलते ही मिल जाती है। और ये देखो यार अपने को इतना प्यारा हेलीकॉप्टर भी मिल चुका है, तो इस हेलीकॉप्टर को लेकर चलते हैं हेवन में, और फिर वहाँ अपने को बना दिया जाएगा हेवन गॉड। और हेवन गॉड बनने के बाद हम जाएंगे सीधा की सीधा हेल गॉड को मारने के लिए। तो नहीं यार, मार तो हम उसे वैसे भी नहीं सकते, क्योंकि अपने को हेवन गॉड ने बताया है कि हेवन गॉड जो है उसने अपने को बताया है कि हेल लॉर्ड अमर है। हेल लॉर्ड को काफ़ी जो है ज़्यादा देर तक कैद ही किया सकता है, लेकिन उसको मारा नहीं जा सकता है। तो यार अपन पूरी कोशिश करेंगे उसको पकड़ कर लाएंगे और अपने हेवन में उसको कैद कर लेंगे, क्योंकि हेवन गॉड ने अभी तक ऐसा पिंजरा बना लिया होगा जिसमें जो है अपन हेल लॉर्ड को कैद कर सके। फटाफट चलते हैं यार हेवन गॉड के पास और पता करते हैं कि उन्होंने ऐसा पिंजरा बना दिया क्या, और मैं हेवन गॉड अभी बन सकता हूँ क्या। मैंने इतनी बड़ी पूजा भी कर ली है, इतनी खतरनाक तपस्या की है हेवन गॉड बनने के लिए यार, और मैं हेवन गॉड वैसे बनना भी नहीं चाहता, लेकिन हेल लॉर्ड को मारने के लिए यानी कि उसको पकड़ने के लिए मुझे हेवन गॉड तो बनना ही है, तो इसीलिए मैं हेवन गॉड बनने के लिए राजी भी हो गया हूँ। तो यहाँ पर यार लो मैं अभी पहुँच चुका हूँ हेवन में, और अभी फटाफट चलता हूँ हेवन गॉड के पास और उनको बताता हूँ कि मैंने जो है अपनी तपस्या पूरी कर ली है, क्या अब मैं हेवन गॉड बनने के लिए तैयार हूँ। वो सब मुझे अभी हेवन गॉड बनाने वाले हैं।
चलता हूँ फटाफट हेवन गोड के पास। तो हेवन गोड, मैंने जो है अपनी सारी तैयारी कर ली है, और देखो आप बताओ अब मैं हेवन गोड बनने के लिए तैयार हूँ क्या? हो, तुम हेवन गोड बन सकते हो। बन सकते क्या हो? अभी मैं तुमको हेवन गोड बनाता हूँ। अंडबन का चोला, फ्रैंकलिन बन जाए हेवन गोड का भोला, बन जा हेवन गोड का भोला, बन जा हेवन गोड का भोला। तो फ्रैंकलिन, तुम अभी बन चुके हो हेवन गोड। हाँ, भले ही तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, लेकिन तुम ये मत भूलना कि तुम्हारी लड़ाई हेल लॉर्ड से है, और हेल लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ताकतफुल है, ताकतवर है। हाँ, मुझको पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं भी अभी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। देखो यार, ये येलो लाइट इस बात का प्रतीक है कि मैं अभी हेवन गोड बन चुका हूँ, और हेवन गोड की शक्तियाँ अभी मेरे पास आ चुकी है। और अपने पुराने हेवन गोड जो है अभी एक साधारण इंसान है, लेकिन वो अभी भी हमारे मेंटोर है, अभी भी हमारे गुरु है। उनसे ही मैंने शिक्षा ली है कैसे मैं बड़े बड़े शैतानों को हराऊंगा। तो हेवन गोड, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जो है उसको पकड़ कर लेकर आऊँ। हो, लेकिन अभी हेवन गोड तुम हो, मुझे मेरे ओरिजिनल नाम जूस से ही बुलाया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु भले ही हूँ, लेकिन अब तुम ये हेवन गोड हो तो मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ हेवन गोड। अच्छा अच्छा गुरुदेव, मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगा, यानी कि आपको जूस कहकर पुकारूंगा। हाँ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वैसे तुम हेलीकॉप्टर से ही जाओ, क्योंकि शक्तियों का प्रयोग करोगे तो वो दूर से ही पता लगा लेगा और फिर भाग भी जा सकता है। हाँ, आपने एकदम सही कहा कि वो भाग जा सकता है, मतलब भाग जा सकता है। यार क्या कर रहा हूँ मैं भी, यार फटाफट चलते हूँ और पूरा ट्राई करूँगा यार मैं हेल लॉर्ड को पकड़ने के लिए, क्योंकि तो यार अब मैं हेवन गॉड बन चुका हूँ और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई है। पहले एक मामूली इंसान होकर भी मैं बड़े बड़े काम करता था, लेकिन लिटरली में अभी मैं जो है हेवन गॉड बन चुका हूँ, और आप समझ सकते हो एक गॉड की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा होती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने मरते दम तक निभाने वाला हूँ। ये लो, मैं तो हेलीकॉप्टर से कूद गया और अभी मैं पहुँच ही गया हूँ हेवन लॉर्ड के अड्डे पर। उसने अपनी सतरंगी धरती जो है रेगिस्तानी धरती वो उसने गायब कर दी, पता नहीं क्यों ऐसा उसने क्यों किया। ये लो सामने की तरफ ये हेवन लॉर्ड, इसने अभी तक मुझको नहीं देखा है और मैंने इसको धर तबोचा है। यार तुम फिर से आ गए, लगता है तुम हार नहीं मानने वाले। अभी तुमको बताता हूँ, एक बार तो मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया, लेकिन इस बार मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अरे ये क्या, मुझको लगता है कि तुम में पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। हाँ, तुमने एकदम सही पहचाना, मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाए कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया हूँ। अरे हाँ, मुझको ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर आखिरकार कैसे हो गए, जब मेरे सामने टिक पा रहे हो और मुझको अपने हाथों में पकड़ भी पा रहे हो। पहले तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हुआ नहीं करती थी, अचानक ऐसी पावर तुम में आई तो आई कहाँ से, मुझको ये बात तो बताओ फ्रैंकलिन। अच्छा, तुमको जानना है ना ये क्या है? तो मैं अभी हेवन गोड बन चुका हूँ, और तुम तो जानते ही हो कि हेवन गोड कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अच्छा, अभी तुम हेवन गोड हो, ये तो यार पूरे देवताओं पर अपमान की बात हो गई है। तुम्हारा जैसा बंदा हेवन गोड बन चुका है, काम इंसान को हेवन गोड बना दिया, कितने मूर्ख लोग हैं वो। अच्छा, तुमको क्या लगता है वो मूर्ख है जो उन लोगों ने मुझे हेवन गोड बनाया है? अभी आपको पता चल जाएगा कि हेवन गोड बनना कितना ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है, और उनको पता है मैं कितना ज़्यादा जिम्मेदार हूँ, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल मैं ही निभा सकता हूँ। और मुझे लगता है कि तुम उनकी उम्मीदों पर खतरे नहीं उतर पाओगे, क्योंकि तुमको मैं अच्छे से मारूंगा, इतना मारूंगा कि तुम सोच नहीं सकते। अच्छा, तुम मुझको मारोगे? अभी तो फिलहाल तुम ही मुझसे पिटे जा रहे हो, और ये देखो मैं तुमको कितने बुरी तरीके से पीट रहा हूँ और तुम वार भी नहीं कर पा रहे। ये लो मेरे एक और वार और तुम नीचे गिर गए, और अभी मैं तुमको इसी तरीके से लगातार उठा उठा और पटक पटक के मारने वाला हूँ, जब तक कि तुम बेहोशी की हालत नहीं आ जाते।
और अभी वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँ अपने हेवन में और वहाँ पर तुमको कैद कर लूँ। ओह इतना आसान नहीं है मुझको कैद करना। भले ही तुम हेवन गोर बन जाओ लेकिन फिर भी रहोगे तो तुम इंसान ही ना, और इंसान में उतनी दम नहीं कि हर लोर को हरा सके। अच्छा तो तुमको मुझको लगता है कि अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम इंसानों को कुछ ज़्यादा ही हल्के में लेते हो। भले ही मैं इंसान हूँ लेकिन ये मत भूलो कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ हैं और मैं अभी हेवन गॉड हूँ, तो तुमको मन मर्जी के हिसाब से मैं तुमको मार सकता हूँ। हालांकि मुझे पता चला है कि तुम अमर हो लेकिन मैं तुम्हें कैद तो कर सकता हूँ ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। ये इंसान कितना नासमझ है, पहले मुझे मारने की बात करता है और फिर मुझे कैद करने की। इसको क्या लगता है मुझे कैद करना आसान है? इसके पसीने छूट जाएंगे और ये यार मुझे ले जा रहा है हेवन में। ये तो नामुमकिन है, एक इंसान मुझे कैसे ले जा सकता है? ये लो मैंने अपने आप को छुड़ा लिया, अब तू क्या करेगा फ्रैंकलिन के बच्चे? अब तू नहीं बचने वाला, अब मैं तुझको हेल ले जाऊंगा और वहां पर इतना पीटूंगा कि तेरे पसीने छूट जाएंगे और फिर तुझको गरम तेल में जलाने वाला हूँ मैं। ये ले फ्रैंकलिन। तुझको पता तो चले आखिरकार हेल लोड क्या है। पिछली बार मैंने तुम्हें बस कैद किया था और आसानी से तुम्हें जाने दिया था, लेकिन तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही समझ लिया अपने आप को। अरे यार तुम कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहे हो, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ हेवन गॉड की असली पावर। मैं जब से हेवन गॉड बना हूँ मैंने अपनी पावर का पूरा 100% यूज़ ही नहीं किया है, लेकिन अभी मैं तुम पे आजमाने वाला हूँ अपनी पावर का लिटरली पूरे की पूरा 100%। ये ले, अभी तुमको पता चल रहा होगा कि मेरे अंदर कितनी ज़्यादा पावर है, और अभी तो तुम खड़े रहने की भी हालत में नहीं रहे हो। ओह मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। ये इंसान का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे जैसे पावरफुल शैतान को इसने चुटकियों में पीट दिया, ये तो नामुमकिन है। अरे मेरे शब्दकोश में अभी तक कोई भी नामुमकिन चीज़ नहीं है, और जैसे मैंने तुमको पीटा है बिल्कुल वैसे ही अभी मैं तुमको हेवन लेकर जाऊंगा और हेवन में तुझको कैद कर दूंगा, और फिर हेवन से तुम कभी भी नहीं छूट पाओगे। फिर तुम सदा के लिए सड़ना हमारी हेवन की जेल में। हमारे पुराने हेवन कोड जो कि ज्यूस थे उन्होंने अभी बंदोबस्त कर लिया होगा कि तुम्हारे लिए जेल बना दी होगी। ओह ये ले आए तुम इसको फटाफट जाओ और जेल में करके आओ। हाँ मैं इसको जेल में करके आता हूँ, तब तक आप मज़े कीजिए। आज तो यार पूरी पार्टी होने वाली है क्योंकि हमने जो है हेल लॉर्ड को पकड़ लिया है और यार इसको कैद कर लिया है, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा यार क्योंकि अब हम करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी पार्टी, क्योंकि हेल लॉर्ड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था और अभी हमने इसको पकड़ लिया है, तो अभी हम जम के पार्टी कर सकते हैं और आज़ादी से हम अपने अलग अलग काम कर सकते हैं। और फिलहाल मैं इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ से आसानी से तो नहीं निकल सकता ना यार, ये निकलेगा कैसे ही? किसी इसमें तो मैंने आग लगा दी यार, काफ़ी मज़ा आया यार इसके साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि यार कोई अपने टक्कर का मिला है, क्योंकि अब मैं हेल गॉड बन चुका हूँ मतलब हेवन गॉड बन चुका हूँ, तो यार अपनी टक्कर का कोई बच्चा नहीं था। ये बंदा एक ऐसा था जो कि अपनी टक्कर का था, अपनी बराबरी का था। खैर इसको छोड़ते हैं, इसका खेल तो अब ख़त्म हो चुका है, अब ये सदा के लिए हेवन के जेल में सड़ने वाला है। और गाइस यार यहाँ पर कुछ प्लान है क्या? प्लान है ना, आज तो जम के पार्टी करेंगे। हाँ यार मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अब देखते हैं अगला एपिसोड में क्या होने वाला है। उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।